वेलकम टू माय चैनल गाइस, द पायलट साहब ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख पा रहे हैं कि स्टेशन सेक्शन में कितनी धुंध है, इस टाइम कितना कोहरा है, किस तरह से लोको पायलट की जॉब चैलेंजिंग है। कुछ लोगों की क्वेरी भी होती है कि भाई लोको पायलट स्लो क्यों गाड़ियां चलाती हैं। भाई साहब ये देखिए, स्लो ना चलाएं तो क्या करें, इतनी कोहरा है कि मात्र 10 फीट 15 फीट आगे भी कुछ नहीं दिख पा रहा है, तो इसमें तो गाड़ियाँ तो स्लो ही चलेगी। ये देख रहे हैं गाड़ी के संचालन में, क्या आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी रास्ते में नहीं दिख रहा है, तो इसमें लोको पायलट क्या करेगा। लोको पायलट तो स्लो चलाएगी गाड़ी को, लेकिन चलो जो भी है। अब आप देख रहे हैं कि कितना धुंध है, किस तरह से एकदम ब्लैंक ब्लैंक सब कुछ दिख रहा है। आगे में जो नज़ारा है वो बिल्कुल भी एकदम धुआं सा लग रहा है कि क्या कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। इसमें इसी विजिबिलिटी इतनी ख़राब विजिबिलिटी है कि कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इस तरह से लोको पायलट की जॉब कितनी चैलेंजिंग है आप देख पा रहे हैं। गाड़ी तो फिर भी चलानी होती है क्योंकि सबको पहुंचाना होता है, जाना होता है, किसी को वहां से यहां, किसी को यहां से वहां जाना होता है, बराबर ये सब होते रहते हैं। लेकिन इस तरह से देखते हैं कि जॉब काफ़ी टफ है। और अब हम ये दिखा रहे हैं कि ये पार्किंग में आए हुए हैं, पार्किंग में ये हमारी गाड़ी यहाँ पे लगी होती है, बाइक हो, स्कूटी हो, जो भी हो। तो मैं अपनी स्कूटी को पार्किंग से निकालने जा रहा हूँ, निकालूंगा स्कूटी को। ये मैं व्यू दिखा रहा हूँ कि कितनी बाइक यहाँ पे लगी हुई है, कि यहाँ पे आते हैं ड्यूटी के लिए तो यहाँ पे बाइक लगा देते हैं, उसके बाद जब ड्यूटी से आते हैं तो यहाँ से निकाल के घर को ले जाते हैं बाइक, फिर उस पर चलाते हुए। तो अब मैं बाइक निकालने जा रहा हूँ और बाइक निकाल रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ में आपकी बाइक भी, अपनी बाइक भी निकाल रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए। अब मैं घर की तरफ चल निकल गया हूँ, अब जा रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ और ये स्टेशन से बाहर आ गया हूँ मैं मेन रोड पे। मेन रोड भी काफ़ी ये बिजी रहती है, रहता है ये रोड। आगे देखते जाएँ, आगे मैं ओवर ब्रिज पर जाके ओवर ब्रिज पर चलूँगा, उसके बाद उस पार में मेरा रैन बसेरा है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ घर है। इसलिए सामने जो है एक मॉल है सॉलिसिटर, और ये सामने इतना रिव्यू नहीं करूँगा मैं क्योंकि ये इतना भी अच्छा मॉल नहीं है। तो अब मैं पुल पे चल रहा हूँ धीरे धीरे अपनी स्कूटी की रेस बढ़ाते हुए, आगे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो सामने जो अभी दिन के बज रहे हैं लगभग 11, और 11 बजे का ये हाल है कि रोड पे तो चलो यहाँ नज़दीक में शहर में तो कुछ दिख भी रहा है, लेकिन बाहर में रोड पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। रोड पे तो और ज़्यादा ख़तरनाक है इस तरह के मौसम में ड्राइव करना। यह जगरामा ब्रिज है गाइज, जगराव ब्रिज। तो जगराव ब्रिज पे चढ़ के आप इस तरफ पार होते हैं और इसके जस्ट साइड में मंदिर है, मंदिर की व्यू आप भी देख रहे हैं। ये सामने मंदिर जो पीछे रह गया, ये जा रहे हैं अपनी बाइक, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। ये सारा मैं घर के रास्ते का, देखो ऑटो में कितनी सब्जियाँ भरी पड़ी है। भाई सब्जी तो ज़रूरी है, सबको चाहिए होती है सब्जी। अब मैं घर की तरफ आ गया। ये जो देख रहे हैं साहब, यहाँ पे पहले आर्मी की भर्ती हुआ करती थी, अभी भी कैंप है, लेकिन अब तो आर्मी नाम की है, अब तो अग्निवीर हो गए। अग्निवीर की भर्ती चल रही है, आज भी चल रही है, अभी भी अग्निवीर की भर्ती ख़त्म हुए। यहाँ पे सिविल लाइन आगे बता रहे हैं और यहाँ पे यहीं पे होते हैं अग्निवीर की भर्ती। ये देख रहे हैं आप, ये सारा आर्मी कैंप है फौजी के, यहीं पे भर्ती होते हैं। देख लीजिए मेन गेट था ये। अब मैं आ गया घर के पास, सोचा सब्जी सब्जी लेता चलूँ, कुछ हरी भरी सब्जियाँ भरी पड़ी है एकदम से, तो मैं सोच रहा हूँ घर के लिए ले जाऊँ भाई, क्योंकि सब्जी तो ज़रूरी है, सब्जी के बिना तो कोई काम तो हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।